अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की थी अपने कुछ, मैंने लॉन की शॉपिंग की थी लोकल मार्केट से, डिटेल वीडियो शेयर की थी वहाँ से ही, जो मैंने प्रिंट्स लिए हैं अपने लिए, फातिमा के लिए और जहरा के लिए, वो आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो ये रहा ड्रेस नंबर वन जो मैंने लिया था फातिमा के लिए। ये फैब्रिक लॉन है और ये फुल सूट मुझे मिला था 1600 का। कुछ इस तरह से मैंने इसको डिज़ाइन किया है और 1500 मैंने इसकी स्टिचिंग दी, 1600 में मुझे सूट मिला। और ये आप जब एथनिक पे जाएंगे तो आपको 5000 में मिलेगा या 2-4 हज़ार रुपये कम मिलेगा। तो इसमें क्या बुराई है कि अगर हम खुद जो है फैब्रिक लें लोकल मार्केट से और अपनी मर्ज़ी का प्रिंट लें। ब्रांड्स पे आप जाएंगे तो आपको प्रिंट्स भी बहुत ही लिमिटेड मिलेंगे। अगर कोई प्रिंट आपको अच्छा लग भी जाए तो वो या तो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है या उसमें साइज़ नहीं मिलता। इस ड्रेस के लिए मैंने सीढ़ी लेस ली थी और मैंने स्लीव्स पर लगाई, पैनल्स में लगाई, ट्राउज़र के बॉटम पर लगवाई। कुर्ता कट में इसका जो है वो शर्ट है एंड इसकी जो ट्राउज़र है वो भी बॉक्स ट्राउज़र है। बहुत अच्छा लग रहा है फातिमा, अगर आपका इसका सूट बनाया जाए तो, है ना, अच्छा लग रहा है ना। फातिमा के लिए सूट मैं लूँगी और इसकी डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करूँगी। ये वाला प्रिंट भी मैंने पहचान फैब्रिक वालों से लिया था और इसके लिए भी मैंने ली थी लेस, जो मैंने ली थी डबल साइड। कुछ इस तरह से नेक लाइन पे मैंने ऐड की, बीच में जो है गैप से 3-3 बटन्स मैंने लगवाए। एंड इसका ये है कि मैंने जो स्लीव्स पे है ना उसमें मैंने अलग से कटवा के मैंने लेस लगवाई, लेकिन नेक लाइन पर नहीं लगवाई वरना वो सी थ्रू हो जाता। और इस तरह से स्लीव्स पे जो है वो पिनटेक्स हैं। इसके जितने भी मैंने कपड़े बनवाए हैं लूज कट में बनवाए हैं। इस शर्ट की लेंथ जो है वो 32 है, जो पिछला आपको मैंने दिखाया है उस शर्ट की लेंथ 36 इंचेस थी। एंड इसके ट्राउज़र भी कुछ इस तरह से है, बॉक्स ट्राउज़र है। पाउंचा जो इसके ट्राउज़र का है वो 10 इंचेस का है और लेंथ तो आपको पता है अपनी हाइट के अकॉर्डिंग ही होगी। फातिमा की हाइट जो है 5'5" है और उसके लिए जो है मैंने इसकी लेंथ जो ट्राउज़र की रखवाई वो थी 38 इंचेस। बहुत सारे मुझे कमेंट्स रिसीव हो रहे थे कि जहरा की ड्रेस डिज़ाइनिंग भी ये लॉन की है वो दिखाई है हमें, और फातिमा की तो स्पेशल बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी। अपनी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी। जारू के भी मैं गर्मियों में जो है वो लॉन के ही प्रिंट्स लेके उसी की शलवारें कमीज़ें या ट्राउज़र्स बनवाती हूँ। ये लॉन्ग शर्ट मैंने जारू की बनवाई थी, ये प्रिंट भी मैंने पहचान वालों से ही लिया था। और इसके साथ जो है वो पाइपिंग जो मिल जाती है बाज़ार से वो है। और जारू मुझे कहती थी मामा मेरा दुपट्टा भी दिखा दें। तो आपको जारू का ड्रेस कैसा लगा? साथ इसके बनवाया मैंने चूड़ीदार पजामा। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये मैंने ग्रीन वाला भी, अच्छा जितने भी ड्रेसेस हैं ना वो सारे मैंने पहचान वालों से लिए और 1600 का सूट मिला। इसके अंदर बरोशा है, ये 1900 का फुल सूट था और सारे मैंने जो है वो कुर्ता कट में बनवाए हैं। और सारे जो है वो मैंने ट्राउज़र्स नहीं बनवाए क्योंकि फातिमा ने मुझे कहा था मामा इस समर में आपने मेरी ज़्यादा शलवारें बनवानी, और मेरी शलवार बड़ी खुली डुली सी होती है, बेल्ट वाली होती है, ज़्यादा घेर वाली स्ट्रेट कट नहीं होती। ये कुछ इसकी फाइनल लुक है, इस तरह से ये कुर्ता कट है, लूज़ है। इसकी चेस्ट 20 है, 18 इसकी कमर है एंड इसका जो दामन है वो 26 इंचेस है। लूज कट में बिल्कुल इसमें कोई शेप नहीं है, शेपलेस कुर्ते हैं। और बाजू भी जो है इसके वो बॉक्सी हैं इस तरह से लेसेस, और इसकी जो लेस थी ना वो मैंने इस तरह से फिक्स कराई, वरना इसकी बैक पे भी एक लाइन सी थी जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। लेकिन मैंने सिर्फ इसके आगे से डुंडियाँ ना वो निकाली हैं। इट्स ऑल इन द यू नो मेकिंग कि आप क्या किस तरह से जो है वो फिक्स करा रहे हो कपड़ों पर, उसी तरह से उसकी जो ब्रांडेड है या इस तरह से डिज़ाइनर लुक आती है। और आप मुझे बताएं कि ये एथनिक से कम है क्या? एथनिक ऐसा ब्रांड है कि जिसकी बहुत हाइप है और लोग उसको बहुत पसंद करते हैं, बट उसके पीछे भी यही कुछ है। मुझे और मैं मज़े की बात बताऊं, मैंने एथनिक पे गई, एथनिक पे कोई ऐसा ड्रेस नहीं था आम जो लॉन के होते हैं टू पीस कि जिस पे लेस लगी हो। हमने तो लेस भी लगवाई है, लेस आपको मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था लेसेस वाला जिस पे ब्लैक एंड वाइट एंड और भी शटल लेसेस कलरफुल मिल जाएंगी, वो बहुत ही रीज़नेबल आपको मैंने शेयर किया हुआ है। आप मेरी लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, मैं थंबनेल भी लगा देती हूँ, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आप एक ही दफ़ा भी ले आए ना काली सफ़ेद या इस तरह तो वो फिर बहुत सारे कपड़ों में चल जाती है। दुपट्टे मैंने जितने भी सूट हैं उनके साथ एक ही कलर में डाई कराया और डाई भी मैंने कराया है इमरान डाइंग एंड मैचिंग सेंटर जो लाल कुर्ती में, उन्हीं से ही। अच्छा, मैंने जो फील किया ना कि अगर आप टाई एंड डाई करा लो या चुनरी या कुछ 2-3 कलर कर लो ना तो वो दुपट्टे लिमिटेड हो जाते हैं। अगर एक कलर में आप दुपट्टा डाई कराओगे ना तो वो बहुत सारे आपके आउटफिट्स के साथ चल जाते हैं, वरना आप फिर वो मतलब कहते हैं ना कि बस वो दुपट्टा जो उसी सूट का रह जाता है जिसका आपने डाई करवाया, जिसके साथ आपने डाई करवाया हो ना। तो आपने भी कोई भी दुपट्टा डाई कराना हो तो आप उमर भाई से करवा सकते हैं, इमरान मैचिंग एंड डाइंग सेंटर है लाल कुर्ती में। और मैं अपने सारे दुपट्टे जो हैं वो इन्हीं से डाई
ट्राई कराती हूँ, एक फातिमा के लिए भी जो मैंने डाई कराया वो मैं खुद भी यूज कर लेती हूँ। मजे की बात बताऊँ, मैं फातिमा दोनों जो है ना शेयर करते हैं, अपने जो आउटफिट्स भी होते हैं ना शेयर कर लेते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा सेम ही साइज है और मैं भी लूज कट में ही कपड़े पहनती हूँ, कोई ऐसा फिटिंग वाले तो पहनती नहीं हूँ ना, मुझे पसंद है। आपको मेरी शायद पहली वीडियो याद होगी, उसमें भी मैंने बताया था आई डोंट लाइक फिटेड क्लोथ्स, मुझे लूज कट, लॉन्ग शर्ट्स, ट्राउजर, शलवारें, इसी तरह का जो है मेरा स्टाइल है, पर्सनल स्टाइल। लेकिन बहुत सारे कपड़े मैं ऐसे भी आपके साथ शेयर करती हूँ जो कि मुझे रिक्वेस्ट आती है कि ऐसे डिज़ाइन भी शेयर किया करें। सो ये दुपट्टे जो हैं बहुत ही हसीन डाई करके देंगे आपको, और इनका जो है वो कार्ड मैं आपको शो करा देती हूँ। और दूसरा एक है पर जो डाई है ना वो 200 रुपीज़ लेते हैं, ठीक है। और दुपट्टा भी मैंने इन्हीं से लिया था, मेरे ख्याल में 800 का है या 700 का दुपट्टा शिफॉन का, इनसे आपको मिल जाएगा। और ये ग्रीन जो इस सूट के साथ मैंने डाई कराया ये भी मैंने वहीं से लिया था, और 3 मीटर का मैं दुपट्टा लेती हूँ, 3 मीटर का भी ले लेती हूँ, दुपट्टा लंबा लेंथ में ही अच्छा लगता है और बहुत ज़बरदस्त जो कलर इनको बताएंगे आपको वही डाई करके देंगे। ये भी बहुत प्यारा कलर है, इस तरह का मैंने वो लाइट पर्पल सा लिया है ना, इसमें पिंक है, आपने लाइट पर्पल लिया, ये लाइट पिंक आया हुआ है, बहुत प्यारा है ये। और 1600 का सूट है ये, 1600 में सूट है पूरा। नेक्स्ट ड्रेस ये है, फातिमा ने अपनी चॉइस से लिया था और बहुत ही कूल सा कलर था, इस पर पिंक कलर भी आया हुआ है, अगर आप चाहें तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। मैं उनका कॉन्टैक्ट और गूगल मैप का है जो वो जो है वो कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप जो हैं वो उनसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। कुछ इस तरह से मैंने इसके साइड पैनल्स रखवाए हैं, पैनल्स जो है ना वो अंडर आर्म से हैं, ऊपर शोल्डर से नहीं आ रहे, तीन तीन, और इसके अंदर भी सीढ़ी लेयर सी एडजस्ट की हुई है, जस्ट टू गिव इट यू नो डिज़ाइनर एंड ब्रांडेड लुक। और कुछ इस तरह से स्लीव्स, ठीक है, स्लीव्स के आगे दो दो बटन्स लगाए हैं थोड़ा सा गैप रख के, और ये फ्रॉक शेप में है क्योंकि पैनल्स में है, फ्रॉक शेप में है, लेकिन इसके जो चॉक्स हैं ना वो 10-10 इंचेस के हैं, ठीक है, लूज कट में। एंड यस, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आप शायद मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे, एक सफ़ेद दुपट्टा और एक काला दुपट्टा ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जो वाइट दुपट्टा होता है ना बहुत सारे आपके आउटफिट्स के साथ चल जाता है। इस ड्रेस की मैंने बनवाई शलवार, इसका पौंचा जो है वो ऑलमोस्ट 6 इंचेस का है, और इसके बैक पे जो है वो बटन्स लगवाए हैं। और फातिमा ने कहा था ना जैसे कि मुझे शलवारें बना के दे, तो मैंने सोचा थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन की बनाती हूँ, और शलवार बहुत अच्छी लगती है समर में, खुल्ला डुल्ला, इजी टू वेयर होता है शलवार, बेल्ट वाली शलवार, ठीक है। तो ये ड्रेस था, आई होप आपको ये भी अच्छा लगा होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सिंपल एंड एलिगेंट एंड ट्रेंडी कैजुअल ड्रेसेस, नेक्स्ट जो है वो इस ड्रेस का आपको डिज़ाइन मैं दिखाने वाली हूँ। मैडम आप पहले आके आपके कपड़े भी पहने सिलवाए हैं, आपके भी दिखाऊंगी, ठीक है, फिलहाल आप आके दिखा दें। ये बोला तुम्हारा पंछी बनो ना, पंछी पंछी बनो, कैसे बनती हो? चलो जाओ हटो, आपको भी बनाएंगे। मैं और फातिमा रिकॉर्ड कर रहे थे वीडियो और जारू को अपनी मस्तियाँ सूझी हुई थी। खैर ये रहा इस प्रिंट का डिज़ाइन, जो फैब्रिक मैंने लिया लॉन है, सिंपल एंड ओवरऑल प्रिंट है, ठीक है, और इस तरह से सिंपल सा कुर्ता, ठीक है, एंड विद स्ट्रेट ट्राउज़र, और कुर्ता स्टाइल ही इसके स्लीव्स हैं। और जैसे कि आपको दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें अपने टेलर को दिखाने के लिए। अच्छा, इसकी लेस का मैं बताती हूँ, इसकी जो स्लीव्स पे आपको लेस लगी नज़र आ रही है ना, सेम वही लेस इसके नेकलाइन पे भी लगी हुई है, लेकिन मैंने किस तरह से लगाई है आप इसको देखिएगा, मैं आपको अभी क्लोजअप दिखाती हूँ, आपको समझ आएगी। स्ट्रेट कट कुर्ता, इसमें पैनल्स नहीं है, और इसका जो पांचा है ना वो 10 इंचेस का ही था, और 38 इंचेस का ट्राउज़र, एंड छोटा इसका चौक है, 10-12 इंचेस का चौक है, खुल्ला डुल्ला, कहीं से कोई फिटिंग नहीं है, लूज़ कट है। और वैसे भी बच्चियों को लूज़ कपड़े अच्छे लगते हैं, मैं तो खुद उसकी माँ हूँ, मैं खुद लूज़ पहनती हूँ, लेकिन बच्चियों को तो खास तौर पे लूज़ कट में ही कपड़े पहनने चाहिए, अच्छे भी लगते हैं लूज़ कट में, फिटिंग तो आई हेट फिटिंग। और खैर ये देखे लेस, ये इसकी लेस थी, बट मैंने क्या किया, सिर्फ एजेस जो हैं वो लगवाए हैं नेक लाइन पे। देखिए ये होता है ना दिमाग जो मेरा चलता है, मैंने आपका भी चलाना सिखा दिया है ना, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये ही होता है ब्रांड्स पे आधी उद्धी चीज़ इधर उधर करके तो लगा के, तो चलो जी अपना टैग लगा दिया। विद वाइट दुपट्टा, दुपट्टा इसका डाई नहीं कराया था, एक ही दुपट्टा वाइट था जो बहुत सारे हमारे आउटफिट्स के साथ चलेगा। यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मैंने और फातिमा ने जब वीडियो रिकॉर्ड कर ली, मैं फ्री होकर बैठ गई थी बरामदे में, और मैंने इंस्टाग्राम की स्टोरीज बनानी थी, वो बना रही थी, मेरा इंस्टाग्राम मैंने पोस्ट लगाई थी, आ गया वापस अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच, जिन्होंने दुआएं की, मेरे भाई ने इसको रिट्रीव कराया, थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट वीडियो मेरी ड्रेस डिज़ाइनिंग होगी लॉन की, ईजी वीजी एंड ट्रेंडी एंड सस्ते सस्ते कपड़े, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।